नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे जुर्म, एक ऐसी सोच को बेनकाब करती है जो आपके जहन में कई सवाल छोड़ जाएगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। संभलकर ये सना फोन क्यों कट कर रही है? हमारी बड़ी बहू है सना, आज दोपहर को ये बोलकर गई थी कि साथ वाले सुनारे के पास जा रही है, लेकिन तब से उसका कुछ पता नहीं। सर, मैं भी आज शाम से उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पहले तो उसने कॉल कट कर दिया, बाद में फोन ही बंद कर दिया। सभी रिश्तेदार के घर देख लिए, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं है। साहब, मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए, वो पीछे है। उसके होने वाले बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो जाए। साहब, अल्लाह के लिए ऐसी मनहूसियत मत फैलाओ, बच्चे को कुछ नहीं होगा। साहब, आप उसे ढूंढिए, वापस आएगी तभी तो पता चलेगा ना कि वो क्यों गई थी, कहाँ गई थी। आप लोग अभी जाइए, सुबह होने तक इंतजार कीजिए, शायद वो वापस आ जाए। हम लोग भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। जाइए नेगी, सुबह ज्वेलर के पास जाके पता करो कि ये आई थी कि नहीं। सना जी यहाँ पर नहीं आई सर, और अगर आई होती तो मैं आपको जरूर बताता सर, उनकी फैमिली के साथ मेरा घर जैसा रिलेशन है सर। सीसीटीवी की फुटेज दिखाइए जरा। यस सर। हाँ नहीं बोलो। सर, मैंने ज्वेलरी शॉप ओनर से बात किया, उसने कहा कि सना यहाँ आई नहीं, और सर वो सच कह रहा है क्योंकि मैंने इस बात को यहाँ की सीसीटीवी फुटेज से भी वेरीफाई किया। तो उसके घर वालों ने झूठ क्यों बोला? आज दोपहर को ये बोलकर गई थी कि साथ वाले सुनारे के पास जा रही है। फिर बातें काफी उलझी हुई लग रही है। नेगी, बातें तो तब उलझती है जब उन्हें झूठ के धागों से बुना जाता है। सना प्रेग्नेंट है और गायब है, और यही बात अपने आप में काफी सवाल पैदा करती है। अब हमें ये पता करना है कि कौन झूठ बोल रहा है, सना के ससुराल वाले या फिर खुद सना। सर, ये भी तो हो सकता है कि रास्ते में सना के साथ कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी हो गई और उसे किसी अस्पताल में एडमिट किया हो। सकता नहीं, आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, रिक्शा स्टैंड है, वहाँ पता करो, सना के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, और उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी वो भी पता करो। जी सर, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा सना अपनी ससुराल वालों से झूठ क्यों बोले। अभी तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। सना के माँ बाप से मिलकर पता करते हैं कि उसके साथ ससुराल में क्या हो रहा है, हो सकता है कि वो वाकई किसी मुसीबत में। के लिए चुप हो जाओ आसमा, हमारी बच्ची मिल जाएगी, पुलिस ढूंढ रही है उसे। साहब, हमारी बच्ची, कुछ पता चला उसका? साहब, 8 महीने की प्रेग्नेंट है वो। उसी सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। सना की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था कि वो अपने ससुराल वालों से झूठ बोलकर घर से निकली? साहब, मोम थी मेरी बच्ची, लेकिन फरहान से निकाह के बाद औलाद बनकर उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। निकाह के 4 साल बाद भी जब उसे बच्चा नहीं हुआ ना, तो उसकी सास ने उसका जीना हराम कर रखा था। सना मेरा बच्चा, बिल्कुल फिकर मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरे अब्बू अम्मी तेरे साथ हैं। आसमा बहन, भाई साहब, जरा बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। सलमा बहन, खुदा के लिए हमारी बेटी पर रहम कीजिए। अरे रहम कीजिए, रहम कीजिए, और कितनी बार रहम करूं? अगर आप अपनी बेटी के लिए रो रही है ना, तो मुझे भी अपने बेटे की फिक्र है।
दो बार पहले ही बच्चा गिर चुका है। इस बार अगर उसने मुझे घर का वारिस नहीं दिया ना, तो मैं अपने बेटे का दूसरा निकाह पढ़वा दूंगी। हाँ सर, अम्मी सना पे प्रेशर डाल रही थी, लेकिन उन्हें तो बस एक बच्चे की आरजू थी जो अगले महीने आने वाला है। वैसे अम्मी भला सना के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगी? साहब, घर में बच्चे की ख्वाहिश रखना कोई गुनाह तो नहीं है ना? ये मेरा बड़ा बेटा है, बिन औलाद रहेगा तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। ये मेरे छोटे बेटे की बीवी आफरीन है, इसको एक बच्ची है। मैं तो इसलिए कह रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं क्यों चली गई। सना कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती थी? सर, मेरे शौहर खुद एक डॉक्टर हैं और सना भाभी की देख रेख वही कर रहे थे। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस बार प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी? जी नहीं, इस बार की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सना भाभी सिर्फ मेरी पेशेंट ही नहीं बल्कि मेरी भाभी जान थी। उनका यूट्रस वीक था इसलिए दो बार उनका मिसकैरेज भी हुआ। ये ऐसा तो नहीं कि पहले दो बार यूट्रस कमजोर था इसलिए बच्चा गिराना पड़ा था, और इस बार नियत कमजोर थी इसलिए बच्चा गिराने का प्रेशर था उन पर। मेरा मतलब लिंग परीक्षण से। देखिए सर, ना तो मेरे घर वालों की ऐसी सोच है और ना इस तरह का कोई गलत काम मेरे क्लिनिक में होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं या फिर बाहर बैठे हुए मेरे पेशेंट से पूछताछ कर सकते हैं। ना तो मैं गलत काम करता हूँ और ना गलत काम में किसी का साथ देता हूँ। सना से आखिरी बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे? घर पे, कल सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त। ठीक है। हेलो, क्या? मैं आता हूँ। गर्भवती होती है तो उसे एक एक कदम संभल कर चलना होता है, क्योंकि अगर उसे जरा सी भी तकलीफ होगी तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट सना को अगवा करके कौन उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहा था? सना के परिवार में से अब तक किसी को भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया था, तो क्या इस किडनैपिंग के पीछे का मकसद कुछ और ही था? सना की कॉल रिकॉर्ड। सना की सास के मुताबिक सना दोपहर 2 बजे घर से निकली ज्वेलर की दुकान जाने के। पर सना के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जैसे ही वो घर से निकली उसने अपने देवर एजाज को फोन किया। एक बार नहीं, कई बार उसका फोन शाम 5 बजे स्विच ऑफ हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका फोन जहाँ स्विच ऑफ हुआ उसकी मोबाइल की लोकेशन एजाज के क्लिनिक के आसपास की ही थी। सर, सना के कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि उसके और एजाज के बीच अक्सर बातें हुआ करती थी। नेगी, ये फैमिली जितनी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। एक ही घर में रहते हुए भाभी और देवर के बीच इतनी सारी बातें, वो भी फोन पर, क्यों? अरे कोई दरवाजे पे आया, तेरा ध्यान ही नहीं है। नमस्ते। उमा बहन, सना घर में नहीं है, बाद में आना। कब तक आ जाएगी? जैसे आ जाएगी मैं बुला लूंगी। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते। अरे क्यों इतना उदास हो रहा है? देख बेटा, किसी के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। चिंता मत कर, खालिद भाई साहब अभी भी अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करने के लिए तैयार है। तू जब हाँ करेगा मैं तेरा दूसरा निकाह पढ़वा दूंगी। अल्लाह के लिए शर्म कीजिए अम्मी, प्लीज। सना गायब है और अब ऐसे सोच भी कैसे सकती है? अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? क्या मैं नहीं जानती कि तू सना से खुश नहीं था? और मुझे पता है तू रात रात भर किससे बातें किया करता था। देख बेटा, शौहर के कदम तभी लड़खड़ाते हैं जब उनका बीवियों से मन ऊब जाता है, उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, प्यार नहीं रहता। मैं तो कहती हूँ दूसरी शादी कर ले, सना आ जाएगी तो उसे भी रख लेंगे। अम्मी, आपको ना बस अपनी ही पड़ी है। अरे फरहान बेटा, आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? यह मेरी बीवी गुम हो गई है और आप है कि नए किस्से बना रहे हैं? बातें वही होती है जहाँ किस्से बनते हैं। बस बहुत हो गया, आप ऐसे सोच कैसे सकते हैं कि मेरा छोटा भाई मेरी ही बीवी के साथ ये ऐसा कुछ करेगा? फरहान, हमें क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए वो हम पर छोड़ दो। फिलहाल तुम इतना बता दो, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि सना के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा ही था? गलती मेरी से ही हुई है,
अगर मुझे पहले ही पता होता कि मेरी बीवी गुम होने वाली है और आप ऐसे बेहुदा सवाल करने वाले हैं, तो आपकी तसल्ली के लिए पहले से ही मैं पैटर्निटी टेस्ट करवा के रखता। उस दिन एजाज सर और सना मैडम के बीच किसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। मैम गुस्से में थी और रोते रोते हॉस्पिटल से अकेले ही निकल गए। ये लड़ाई हुई क्यों थी ये तो पता नहीं साहब, पर बड़ी बात हुई थी। अपने बेबुनियाद सवालों से इस घर में दरार डालने से अच्छा है कि आप सना भाभी को बाहर जाकर ढूंढें, जो कि आपका काम है। अच्छा तो कुछ सच्चाई या आप लोगों को बता ही देता। मुझे यकीन है आपके शौहर एजाज ने घर में ये बात किसी को बताई नहीं होगी, लेकिन सना ने घर से निकलने से पहले एजाज को कॉन्टेक्ट किया था। पर हाँ, सना किसी ज्वेलर के पास नहीं गई थी बल्कि एजाज के नर्सिंग होम में गई। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से सना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन एजाज के नर्सिंग होम के आसपास है। आफरीन, हम लोग हमारा काम ही कर रहे हैं। देखिए आप मुझे छोड़िए, देखिए आप मुझे छोड़िए, मेरे हॉस्पिटल चुपचाप चलो हमारे साथ, क्या करेंगे मेरे साथ आप भी। मैं सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं सर? मेरा विश्वास मानिए सर, ना भाभी और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं था जैसा सोच रहे हैं सर आप। सर मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सर। सर सना भाभी नहीं सर, और भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे यहाँ, फीमेल पेशेंट, सबके टच में रहता हूँ सर मैं। टच में नहीं रहते तू, आमने सामने रहते। दीपक अरे बाप, सना मैम संभाल कर, तेरे नर्सिंग होम का सीसीटीवी फुटेज है। जब तेरा बयान लिया था तब तूने कहा था कि सना को तो आखिरी बार तेरे घर पर मिला था, तो ये क्या है? सना तुझसे मिलने तेरे क्लिनिक में भी आई, बोलेगा या और मार खाएगा? सर आई थी वो मेरे क्लिनिक पे सर, हमारी लड़ाई भी हुई थी सर, लेकिन उसके बाद वो चली गई थी सर। आप चाहे तो वहां के दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हम तय करेंगे। तू सिर्फ इतना बता दे कि सना के साथ तेरा झगड़ा क्यों हुआ था। सर सना भाभी अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत टेंशन में थी सर, क्योंकि अम्मी आए दिन कुछ ना कुछ उनको सुनाती रहती थी, इसलिए उन्होंने उस दिन सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया, वहां से चली गई। सर मुझे डर था कि डिप्रेशन में आके वो खुद के साथ कुछ करना बैठे सर, इसलिए उस दिन मैंने आपके साथ झूठ बोला सर। नर्सिंग होम के सीसीटीवी और वहाँ के लोगों से बात करने से पता चला कि सना वहाँ से अकेली गई थी, और डॉक्टर एजाज आधी रात तक नर्सिंग होम में काम कर रहा था। पास में जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। नहीं सर, वहाँ भी पूछताछ कर ली, लेकिन नर्सिंग होम होने की वजह से वहाँ बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें आती हैं, तो कुछ पक्का पता नहीं चल सका। नेगी, इस सना का दो बार मिसकैरेज होने के बाद वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और गायब हो गई। मुझे लगता है इस फैमिली को अच्छे से टटोलना होगा, हमारे सारे सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे हमें। जी सर। हेलो, शर्म नहीं आई? क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच पता? अरे अपनी भाभी के साथ तूने छोड़ से, शर्म तो मुझे आ रही है कि मेरी कोख ने इसको जन्म दिया। सच सच बताइए आप, भाभी के और आपके बीच में क्या चल रहा था? अरे मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा था तू? भाई कहलाने लायक ही नहीं है तू, हाथ हटाइए भाईजान। छोड़ो तुम दोनों, जिसकी वजह से तुम दोनों लड़ रहे हो ना वो तो घर में है नहीं, एक बार उसे घर पे आने दो, मैं क्या हाल करती हूँ उसका। सर सभी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, सना के साथ सलमा और उसके देवरानी आफरीन के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका पति फरहान लगता है वो उसकी बॉस नेहा का काफी करीबी है। दोनों के बीच लेट नाइट तक फोन पे मैसेजेस और बातें हुआ करती हैं, और पिछले महीने में फरहान की मोबाइल की लोकेशन नेहा के घर के आसपास 5 से 6 बार थी। हो सकता है फरहान के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद ये सना खुद घर छोड़कर कहीं चली गई होगी, या फिर फरहान को अपने छोटे भाई और सना के नजदीकी के बारे में पता चल गया होगा और इस नेहा के चक्कर में उसने उसे गायब कर दिया होगा। स्टाफ से पूछताछ करो कि फरहान और नेहा के बीच क्या चल रहा था। फरहान और नेहा मैम ऑफिस आवर्स के बाद कैबिन में बंद रहते थे। हाँ सर, मैंने एक दिन देखा था, मैडम अपना केबिन लॉक करना ही भूल गई थी। मैडम सॉरी। मैडम के साथ फरहान सर को बहुत बार देखा है, मैडम तो उसे अपनी कार में पिक करती थी उसके घर से। अब तक की तहकीकात में सना के परिवार से जुड़ी काफी अजीब बातें पुलिस के सामने आई थी,
बाहर से पुरसुकून दिखने वाले रिश्तों में अंदर से बेकरारी भरी हुई थी। रिश्तों में आई दरारें साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस के शक के दायरे में अब भी परिवार के सभी लोग थे। लेकिन सवाल यह था कि लाचार और बेबस प्रेग्नेंट सना पर यह जुल्म क्यों उठाए जा रहे थे? आखिर सना के साथ क्या होने वाला था? फरहान के ऑफिस एम्प्लॉय से ये बात कंफर्म हुई है कि फरहान और नेहा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उठाकर लेकर और इस फरहान और नेहा को। जी सर। आज हमारी गाड़ी में बैठो। अरे क्या बदतमीजी है? Leave my hand! अच्छा leave my hand! कब से चल रही है सब? 6 महीने से। हम दोनों अपने अपने फायदे के लिए इस रिलेशनशिप में थे। मुझे पैसे और प्रमोशन की जरूरत थी और नेहा को किसी मर्द का साथ। तुम बस मुझे ऐसे ही खुश करते रहो और तुम्हारी प्रमोशन होती रहेगी, ठीक है? ये हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। हम दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। नहीं सर, मैंने नेहा से कभी प्यार नहीं किया। ये जो सब था वो सिर्फ काम के लिए था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी सना से प्यार किया है सर, और हमेशा करता रहूंगा। अगर तुम इसे प्यार कहते हो तो फिर धोखा किसे कहते हैं? ओ प्लीज इंस्पेक्टर, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। जो कुछ हुआ हम दोनों की रजामंदी से हुआ। उसे जो चाहिए था उसे मिला और मुझे जो चाहिए था मुझे। और हाँ, बाद में मैं उससे प्यार भी करने लगी थी। तो कहीं इस नाजायज रिश्ते को जायज बनाने के लिए तुम दोनों ने ही सना को गायब तो नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और सेकेंडली इट वॉज जस्ट अ फीलिंग। नहीं नहीं सर, सर सना माँ बनने वाली थी, मैं भला उसके साथ ऐसे क्यों करूँगा? मैं बताता हूँ, तुम्हारा नेहा के साथ अफेयर चल रहा था। नेहा एक कामयाब औरत थी और तुम्हें कामयाबी का बुखार चढ़ा हुआ। दूसरी बात, सना का और तुम्हारे भाई का अफेयर चल रहा था, ये बात तुम्हें शायद पता चल गई होगी और तुमने उसके साथ कुछ किया होगा। चल बता दे, कहाँ गायब किया सना को? यकीन मानिए सर, मुझे नहीं मालूम सना कहाँ पे। मैं मन ही मन बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं मुजरिम हूँ सर सना का। हेलो सर, यहाँ एक डेड बॉडी मिली है। सर क्या? पीछे पीछे हो जाइए। ये तो सना है, ये तो 2 दिन पहले गायब हुई थी। लेकिन खून देखकर लगता है कि इसकी मौत कुछ घंटे पहले हुई होगी। तो फिर ये 2 दिन कहाँ थी? पर सर इसका पेट काट के इसे मारा है, बच्चा भी नहीं। एक माँ बनने वाली औरत को इस तरह मारने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? नफरत, दुश्मनी? सिर्फ माँ को मारा है या बच्चे को भी मारा है? आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मार डाला तुम लोगों ने मेरी बच्ची को। अरे कैसे शौहर हो तुम? तुम्हें अपनी बीवी और होने वाले बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आई? अरे नहीं संभाल सकते थे तो शादी क्यों की थी? मेरे बेटे पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम्हारी तो बेटी गई थी घर से झूठ बोलकर। हाँ गई थी, तुम्हारे छोटे बेटे को ही तो मिलने गई थी। एक दिन भी सुकून की जिंदगी जी नहीं पाई मेरी बच्ची तुम्हारे घर में। बोल क्यों मारा तूने मेरी बेटी को, बता क्यों मारा? इंस्पेक्टर साहब इन लोगों को छोड़ना मत। देखा, मैं कहता था ना कुछ नहीं होगा और डॉक्टर ने भी कह दिया कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब तो खुश हो ना? हाँ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन 12 साल बाद मेरी गोद भरी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। चलो मंदिर चलते हैं, भगवान के आशीर्वाद भी ले लेंगे। सर
सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, एक शॉकिंग न्यूज। क्या? इसके मुताबिक सना प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? एजाज कहाँ है? होगा अपने नर्सिंग होम में। क्यों, क्या हो गया? सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी। ये नामुमकिन है, आपकी रिपोर्ट ही गलत है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? सोनोग्राफी की रिपोर्ट है हमारे पास। ये देखिए सोनोग्राफी की रिपोर्ट। मेरा बेटा खुद इलाज कर रहा था उसका। अब क्या जवाब है आपके पास? इसका जवाब हम नहीं, आपका डॉक्टर बेटा देगा। अरे सुनो। जी सर। डॉक्टर एजाज कहाँ है? साहब को आज सुबह से मैंने देखा नहीं, शायद वो नहीं आए। पुलिस के लिए खुलासा हैरान कर देने वाला था कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या सना जानती थी कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट नहीं है? क्या सना मुजरिम थी या फिर वो खुद किसी जुर्म का शिकार थी? उसके साथ ये सब किसने किया था, किसने मारा था उसे? उसके पति फरहान ने, उसकी सास ने, उसके देवर एजाज ने, या उसकी देवरानी आफरीन ने, या फिर कोई और ही था इस साजिश के पीछे? जी नहीं सर, मुझे नहीं पता। तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी। सर पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कुछ हरकतें तो चल रही थी, और एजाज भी मुझसे कुछ कटे कटे से रहते थे। एजाज आपका फोन। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ परेशान लग रहे हैं। और सना भाभी को क्या हुआ? फोन किसका आया था? अब पता नहीं। हेलो। वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे, मुझे लगा था कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि एजाज अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेंगे, और अगर उनके पेट में बच्चा नहीं था तो वो उनको धोखे में क्यों रखेंगे? एक औरत के जज्बातों के साथ वो ऐसा क्यों करेंगे? आफरीन, तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब एजाज ही देगा। एजाज अगर यहाँ आता है या आप लोगों को कांटेक्ट करता है तो सबसे पहले आप लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे, और अगर आप लोगों ने एजाज को बचाने की कोशिश की तो हमारी और आपकी अगली मुलाकात लॉकअप में होगी। अभी मुझसे चला नहीं जा रहा है जी। यहीं थोड़ी दूर पर जाकर रिक्शा मिल जाएगा। तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर रिक्शा लेकर आता हूँ। सना और एजाज के बीच उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा? अरे ये एजाज अचानक गायब कहाँ हो गया? नेगी, एजाज के नर्सिंग होम में जाकर उसके और पेशेंट के बारे में पता करो, कहीं सना की तरह किसी और पेशेंट को भी इसने फेक प्रेगनेंसी का झांसा ना दिया। और हाँ, इस एजाज का मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब ट्रैकिंग पे डाल दो। सर, अल्लाह का कहर पड़ेगा तुम लोगों पर। अरे एक दिन भी हमारी बेटी चैन की सांस नहीं ले पाई तुम्हारे घर में, और वो तुम्हारा बेटा एजाज, उसने तो हद कर दी। मेरी बेटी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया, उसे झूठ बोला कि वो माँ बनने वाली, और जब उसका झूठ सामने आया तो मेरी बेटी को मार ही डाला उसने। कसूर मेरे बेटे का नहीं है, तेरी बेटी का कसूर है। मनहूस थी मनहूस, क्या खुशी दे पाई मेरे बेटे को? एक बच्चा तक तो दे नहीं पाई, बात करती है। अरे उसकी वजह से तो मेरे बेटे की नौकरी चली गई, और मेरा दूसरा बेटा, दूसरा बेचारा पता नहीं पुलिस से डरते हुए कहां कहां ठोकरें खाते फिर रहा है। पता है इनका बेटा हमारी बेटी को मार के भागा है, अगर मुजरिम ना होता तो आज सामने खड़ा होता ना। बहुत गलत किया आप लोगों ने हमारे बच्चे के साथ, बहुत पछताओगे आप लोग, एक एक खुशी के लिए तड़पोगे तुम लोग। उस दिन से हम तड़प ही रहे हैं जिस दिन तुम्हारी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ हुआ था। अरे इतना शुक्र करो कि हमने तलाक नहीं दिया अभी तक,
देखो कैसी बातें कर रही है सलील लोग। चलो अरे जाओ जाओ, कहां से उठ के चले आते हैं भिखारी लोग। ये कहां लाए हो मुझे, कौन हो तुम, मेरे क्या बिगड़ा है तुम्हारा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। सर, सना के बैंक से पता चला है उसने अगस्त में अपने 3 लाख की एफडी तुड़वाई और वो पैसे उसने एजाज के अकाउंट में ट्रांसफर किए। उसी दिन एजाज ने 1 लाख रुपए बिरजू के अकाउंट में ट्रांसफर किए और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में 50,000 रुपए बिरजू के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये बिरजू कौन? एजाज के नर्सिंग होम का वार्ड बॉय। वार्ड बॉय? ये तो पता नहीं साहब, और बड़ी बात हुई थी साहब को आज सुबह से मैंने देखा नहीं। वार्ड बॉय के साथ मिलकर ये एजाज क्या खेल खेल रहा है, उठाकर लेकर आओ इस बिरजू को। सर साहब, साहब मेरा बच्चा चोरी हो गया, सब कुछ भी कीजिए मेरा बच्चा ढूंढना है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरा बच्चा ला दीजिए। हमें नहीं पता साहब, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पति के पास इतना पैसा आया कहाँ से। साहब हमारा बच्चा, आपका बच्चा चोरी कैसे हो गया साहब? वो दिन ना, सुनो मुन्ने को ना भगवान के अच्छे से दर्शन करवा के लाना। स्वाति, मैं मुन्ने को अच्छे से भगवान के दर्शन भी करवाऊंगा और आशीर्वाद भी दिलाऊंगा। तू एक काम कर, तू फटाफट खाना बना, वैसे मुझे नर्सिंग होम भी जाना है ना। स्वाति, स्वाति क्या हुआ? बर्बाद हो गया। मेरे सर पे मारा पीछे से, मुन्ना को लेकर चला गया स्वाति, मैं क्या करूं। क्या चल रहा है ये सब? बता क्यों मारा सना को, और डॉक्टर एजाज कहाँ है? बोल। अब हमको छोड़ दो साहब, हम गरीब आदमी हैं साहब। तू और गरीब? भगवान करे इस देश में तेरे जैसे ही गरीब पैदा हो जिनके अकाउंट में 2 लाख रुपए हो। साहब किसी बात कर रहे आप, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए सर, मेरे पास कुछ नहीं है साहब। वही 2 लाख रुपए जो पिछले 3 महीने में डॉक्टर एजाज ने तेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वो तो डॉक्टर साहब से हमने लोन लिया था हमारे बहन की शादी के लिए। हो गई शादी? हाँ साहब, तो भी। फिर ये 3 लाख रुपए तेरे पास कहाँ से आए? साहब ये पैसा मेरा नहीं है साहब, हमें नहीं मालूम साहब। ये पैसे हमें तेरे घर से मिले थे। मानो साहब, सब खाते बोलते कि हमारा पैसा नहीं है साहब, ये पैसा हमारा नहीं है। तेरे बच्चे को किसी ने किडनैप नहीं किया था बल्कि तूने बेचा था। बोल। सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप, कोई बाप अपने बेटे को बेचेगा क्या सर? चेतन इनको तो जानता ही होगा, ये तेरा ही बच्चा है ना, इनको ही बेचा था ना अपने बच्चे को। बोल। तेरे कॉल रिकॉर्ड के वजह से हम लोग इन तक पहुंचे हैं। तेरे जैसा बाप हो ना तो अपने बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है, और आप लोग भी, आप लोगों ने ये जो कुछ भी किया है ना वो गलत भी है और इलीगल भी है। अब चाहे तो बच्चा अडॉप्ट कर सकती थी। अब तू मुंह खोलेगा? साहब पैसों के लालच में हमने हमारा बच्चा इनको बेच दिया था 3 लाख रुपए में। हमारे लिए 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी, मैंने सोचा बच्चे का क्या है, बीबी और एक बच्चा पैदा कर लेगी। तभी सब 10 अक्टूबर के करीब ये लोग हमसे मिले, ये लोग हमें 5 लाख रुपए दे रहे थे, तो हमें लगा साहब पैसा ज़्यादा दे रहे थे तो हमने हमारा बच्चा इनको बेच दिया साहब। डॉक्टर साहब और सना मैडम को मना कर दिया, इस वजह से उन दोनों में काफ़ी झगड़ा भी हुआ था साहब। इस बिरजू के बात पे यकीन करे तो एजाज और सना अपने ही फैमिली के साथ खेल रहे थे, बिरजू के बच्चे को अपना बच्चा बताकर धोखा दे रहे थे। अगर ये दोनों ही प्लान में शामिल थे तो फिर सना को मारा किसने और क्यों? क्या किया है तूने? मैंने क्या बिगाड़ा? क्या करने वाले हो तुम? Oh!
एजाज का मिलना बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है। एजाज के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो, खबरियों को काम पर लगा दो। अरे एजाज के मोबाइल पे या बैंक अकाउंट में कुछ भी हरकत होती है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करो। सर हेलो सर, शिव मंदिर वाले रोड के पास एक लाश मिली है। ठीक है हम अभी आते हैं। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। आसपास चेक करो कुछ मिलता है क्या। सर ये देखिए सर, सभी औरत का भी पेट काट के मारा गया, और अगर ये बच्चा इसी का है तो कोई प्रेग्नेंट औरत को क्यों टारगेट कर रहा है। नहीं, बहुत हो गया दरिंदगी का खेल, अब इस दरिंदे का शिकार करने का वक्त आ गया है। एक और तकरीबन 8 महीने की गर्भवती महिला कुसुम को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर कौन था जो गर्भवती महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था, और इस सब के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या ये सब एजाज कर रहा था? इस बेरहमी से पेट काट कर बच्चा निकाल कर वो अपनी किस जहनियत का सबूत दे रहा था? सच जानने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। सर ये केशव है, इन्होंने अपनी बीवी कुसुम की किडनैपिंग की कंप्लेंट जनकपुरी थाने में लिखवाई, लेकिन उसकी बॉडी हमारे एरिया में मिली। साहब मेरी बीवी को मार दिया, साहब मेरी बीवी को मार दिया साहब। देखिए हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। पोस्टमार्टम के बाद आप बॉडी लेकर जा सकते हैं। सर कहीं इन किलिंग्स में एजाज का हाथ तो नहीं? तो 16 अक्टूबर को जनकपुरी के शिव मंदिर एरिया से कुसुम गायब हुई, पर सना एजाज के नर्सिंग होम के यहाँ से अगवा हुई जो कि चाणक्यपुरी में। दोनों के बॉडीज हमारे एरिया में मिली। ये जो कोई भी है इसके पास 4-व्हीलर होना जरूरी है इन प्रेग्नेंट औरतों को अगवा करने के लिए। नेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों औरतों को नशे की दवा दी गई, दोनों का पेट सर्जिकल इक्विपमेंट से काटा गया था, और दोनों की डिलीवरी की डेट नजदीक थी। ये बात और है कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन उसने प्रेगनेंसी का दिखावा किया था। सर ये दोनों केसेस सेम, लेकिन बाकी सब कुछ अलग, डॉक्टर्स अलग, नर्सिंग होम अलग, जहाँ ये दोनों औरतें रहती हैं वो एरियाज भी अलग। हो सकता है कि अपराधी जो है इन दोनों को पर्सनली जानता है। सर्जिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था, इसका मतलब कोई तो मेडिकल प्रोफेशन का आदमी इसमें इन्वॉल्व है। ये डॉक्टर एजाज अभी भी गायब है ना? जी सर। सर डॉक्टर एजाज का क्रेडिट कार्ड होटल एलाइट में स्वच्छ किया गया। ये डॉक्टर एजाज है, ये यहाँ रुका है। जी सर। इस बार अगर झूठ बोला ना तो सारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। बोल। सर सना भाभी के बार बार मिस कैरेजेस हो रहे थे और अम्मी ने उनकी जान ले रखी थी। इस बार जब सना भाभी का 3रा महीना क्रॉस हुआ तो भाभी वो बच्चा सना भाभी की आखिरी उम्मीद था। सर अम्मी ने सना भाभी को कह दिया था कि अगर इस बार बच्चा नहीं हो गया तो वो भाईजान की दूसरी शादी करवा देंगे। एजाज मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो प्लीज, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। अम्मी जान अडॉप्शन के बिल्कुल खिलाफ थी सर, और ये बात भाईजान और सना भाभी को अच्छी तरह से पता थी। सर अम्मी के दिमाग में वही सारी दकियानुसी बातें भरी हुई थी, अपना खून, अपना बच्चा, इसलिए मैंने ही सना भाभी को फेक प्रेगनेंसी का आइडिया दी सर। इत्तफाकन उसी दौरान मुझे पता चला कि हमारे वार्ड बॉय बिरजू की वाइफ माँ बनने वाली है। मैंने बिरजू से बात भी कर ली थी और वो तैयार भी हो चुका था सर, और ऐन वक्त पर बिरजू अपनी बात से मुकर गया सर। सना भाभी को जब ये बात पता चली तो वो सुनार के यहाँ जाने का बहाना करके घर से निकल के सीधे नर्सिंग होम आ गई मुझसे मिलने, और इसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ सर उससे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती एजाज,
तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बच्चा लाकर दोगे। मुझे कहीं से भी बच्चा लाके तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमने वादा किया तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। सना भाभी की बात भी सही थी सर, उनकी परेशानी सिर्फ मेरी वजह से थी। ये सब बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? सर एक डॉक्टर होने के नाते ऐसा कोई भी इलीगल काम करने से मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता था सर। मैं डर गया था सर, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई सर, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। गलत काम गलत ही होते हैं, चाहे नीयत कितनी भी अच्छी हो। इसे जानते हो? नहीं सर। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, मैं भी बस आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। अगर डॉक्टर एजाज नहीं तो कौन है? नेगी, इन दोनों केसेस से कड़ियों को हमें जोड़ना है। कुसुम और सना के फैमिली मेंबर से बात करके पता करो वो कौन लोग थे जिन्हें ये पता था कि ये दोनों 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के नजदीक थी। जी सर। अब तक तो एजाज गायब था और शक की सुई उस पर ही टिकी हुई थी, लेकिन एजाज के मिल जाने के बाद भी पुलिस ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई कि सना को किसने मारा और उस दूसरी औरत कुसुम को किसने मारा। पुलिस ने एक मुश्किल लेकिन पुख्ता तरकीब ढूंढ निकाली। ये पता किया गया कि गर्भवती महिलाओं के करीबी और दूर के लोगों में से कितने लोग ये जानते थे कि वो औरतें माँ बनने वाली हैं। हर एक नाम को बारीकी से जांचा गया और आखिरकार उनके सामने वो नाम आ ही गया जो इन सब में कॉमन था। सर, इन दोनों केसेस में एक कॉमन नाम सामने आया, उमा देवी। ये इन दोनों के घर पे मालिश और देखभाल का काम करने जाती थी। एड्रेस पता कर लिया। जाने दो। नेगी, तोड़ दो दरवाजा। सर। सना घर में नहीं है, बाद में आना। कब तक आ जाएगी? उमा देवी जी, मैं ही हूँ। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुसुम और सना मेरी बेटियों जैसे थी, भला मैं उनको क्यों मारूंगी? उमा जी, कुसुम और सना के गायब होने के वक्त से लेकर मौत होने तक आप कहाँ थी? सर, इन्हें देख के तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। सर, सर एक और केस आया सेम। सर, ये मेरी बहू देविका 8 महीने की प्रेग्नेंट थी सर, खो गई है। आप किसी उमा देवी को जानती है? हाँ, वो मेरे पड़ोस में रहती है, मेरी बहू की मालिश करती है। उमा जब जिन जिन घर में मालिश के लिए जाती थी, कैसे जाती थी आप वहाँ? मेरा पोता राहुल ऑटो चलाता है, वो ही अपने ऑटो में मुझे ले जाता था। ठीक है, उसका नंबर दीजिए मुझे। नहीं सर। साहब क्या बात है, आप राहुल का नंबर क्यों पूछ रहे हैं? सर, राहुल का नंबर ट्रेस हो गया। सर, मैं तो बस सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, सर मैं तो बता रहा हूँ। सर, रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। सर ये देखिए, आपको गलत फहमी हुई है,
मेरा पोता ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को मार नहीं सकता। चल मैं बता रहा हूँ, मेरे पास को सर, उठाओ, उठाओ इसे। सर मार क्यों रहे हैं सर? मैं आपको सब बताता हूँ सर। बोल बोल बोल। सब बताता हूँ, हाँ मेरे ही सबको मारा है सर। सर मार क्यों रहे हैं सर? मैं बता तो रहा हूँ आपको सर। सर और क्या करता सर? मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, पढ़ने में भी अच्छा था, नंबर भी ठीक ठाक आते थे सर। कॉलेज गया था सर एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पता चलता है डोनेशन देनी पड़ेगी पूरे 20 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आता बताइए? तो सोचा कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ, अगर डॉक्टर नहीं बन पाया तो कुछ धंधा ही कर लूँगा, और पैसों के लिए कुछ शॉर्टकट तो चाहिए था। फिर मैंने ऑटो चलाना शुरू किया, और फिर ना सर मैंने एक दिन अखबार में भी पढ़ा कि बे औलाद लोग नवजात बच्चे के लिए 3-3 लाख रुपए देने को तैयार है। और सच बताऊं सर, मैंने हॉस्पिटल से भी बच्चे चुराने की सोची थी, लेकिन फिर याद आया वहां तो सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी भी टाइट होती है। सोचा बच्चे को रहने देता हूं, मां को ही उठा लेता हूं बच्चे के साथ। और वैसे भी सर 8-9 महीने की प्रेग्नेंट औरत में जानी कितनी होती है, और दादी जिन जिन घरों में मालिश करने को जाती थी मैंने उन सारी औरतों पर नजर रखी। और सीजेरियन बच्चा कैसे पैदा करते हैं सर, वो मैंने ऑनलाइन वीडियो देख देख कर सीख लिया था। लेकिन सर मेरी किस्मत बड़ी खराब रही, मैंने जब पहली औरत को किडनैप किया और फिर उसका ऑपरेशन किया, लेकिन उसके पेट में तो बच्चा ही नहीं था। मुझे लगा सर मुझसे गलती हो गई, और दूसरी औरत का तो बच्चा निकलते निकलते बच्चा ही मर गया। लेकिन मैं इन औरतों को नहीं मारना चाहता था सर, मैं तो बस अपनी दादी का सपना पूरा करना चाहता था डॉक्टर बनके। अरे दादी का सपना पूरा करने के लिए तूने दो परिवार का सपना तोड़ दिया, उनकी खुशियां छीन ली, अब जेल में सड़कर पूरा करना अपने दादी का सपना। सर मैं तो सब बता दिया आपको, मैं कुछ नहीं छुपाया आपसे सर। सर सॉरी सर, गलती हो गई, मेरी बात तो सुन लो, मैंने सब बता दिया आपको। चाहतों के आसमान में उड़ने में कोई बुराई नहीं है, शर्त बस इतनी है कि पैर जमीन की सच्चाई को न छूए, वरना इंसान मुंह के बल गिरता है। फरहान को ज्यादा पैसा और प्रमोशन चाहिए था, और इसी वजह से उसने अपनी बॉस नेहा के साथ संबंध बनाए। सलमा को सना से फरहान का वारिस चाहिए था, जिसके लिए डॉक्टर एजाज ने गलत रास्ता इख्तियार किया। सना को अपनी शादी को बचाने के लिए बच्चा चाहिए था, इसलिए वो एजाज की बातों में आ गई। और राहुल को डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जिसके लिए उसने खौफनाक जुर्म का रास्ता चुना। लेकिन इन सब की चाहतों का अंत बुरा ही हुआ। जुर्म का रास्ता चुनने की बजाय अगर इंसान अपनी प्रतिभा पर भरोसा करे और कोशिश करता रहे तो वो जरूर कामयाब हो सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।